गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो. वी आर ऑफिशियली इन थाईलैंड. दिस इज माय डे नंबर 4 और डे नंबर 3 एक्चुअली डे नंबर 4 है. एंड पार्डन मी, मैं बहुत ही अभी गंदी लग रही हूँ. वी हैव रीच को समोई. कल रात को पार्टी करके हम लोग अराउंड 2:30-3 बजे आए थे एंड पार्टी वॉज ऑसम. दो मैंने दारू नहीं पी बट स्टिल मेरे लिए थोड़ी सोबर पार्टी थी. रमन हैड फन एंड वी मेट सो मैनी पीपल वाज देयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इट वाज प्रीटी अ नाइस एक्सपीरियंस. अभी का प्लान ये है दैट हम लोग कोसामुई पहुंच गए हैं. हमने मॉर्निंग में चेकआउट करा, हल्का फुल्का ब्रेक भी है इंडियन रेस्टोरेंट नियम आर होटल. वहाँ से चेकआउट करके हम खाने पीने चले गए. अभी थोड़ी मेरी हालत डाउन थी तो मैंने शूट नहीं करा, बट अभी का प्लान ये है कि हमने फेरी पकड़ के वापस कोसामुई आए हैं. आज हमारा एक दिन का कोसामुई में दोबारा से स्टे है इन दम डिफरेंट होटल नियर चाविन बीच, जो हमारे होटल के बिल्कुल बगल में है. अभी का अपडेट यहाँ बज रहे हैं दोपहर के 1 एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ टैक्सी. कोसामुई पहुँच के हैं. हमने पोर्ट से यहाँ टैक्सी बुक करी, ऑलरेडी बुक करी हुई थी. सो काफ़ी टाइम लग गया हमें. फेरी भी बहुत, फेरी ने बहुत टाइम लिया एंड काफ़ी लोग आए थे पार्टी पर. काफ़ी लोग वापस भी आ रहे हैं. कल हमारी फ्लाइट है फ्रॉम कोसामुई टू कराबी. तो स्टे, वी हैव फाइनली रीच्ड आवर होटल व्हिच इज राइट नेक्स्ट टू द चाविन बीच. ये है एक प्रीटी डीसेंट रूम एंड दिस इज द बेड, दिस इज द लगेज एरिया, दिस इज द नॉर्मल फ्रिज. आई लाइक द आउटसाइड बालकनी. ये है व्यू फ्रॉम माय रूम, अ नाइस सिटिंग एरिया. दे हैव अ रेस्टोरेंट. ये है ब्यूटिफुल सा व्यू and the view is pretty nice. I like the property. अच्छी है. आज हम पूरे दिन rest करेंगे और फिर हम शाम को beach side पर जाएंगे. So stay tuned. So we have finally checked into our hotel. Raman has gone to the market. थोड़ा वो सामान वामान लेने गया. यहाँ पे ना पानी की bottles का बड़ा पंगा है. एक दो छोटी सी bottle ले देते हैं and बड़ी दिक्कत होती है because हम जैसे लोकल आसपास मार्केट ट्रैवल कर तो बहुत प्यास लगती है. मुझे तो बहुत प्यास लगती है एंड मेरे को तो वैसे भी ज़्यादा पानी पीने के लिए बोला है. सो रमन गया है यहाँ का जो लोकल स्टोर है कन्फेक्शन स्टोर, मुझे 7-Eleven लाइक वी हैव 24/7 विच इज़ नॉट देयर इन इंडिया नाउ. सो रमन वहाँ से सामान लेने गया जो कि 24 आवर्स खुला होता है. वहाँ पे हर तरह की चीज़ मिल जाती है. दी ओनली ग्लिचेज जो आई थिंक मैं बार बार रिपीट हूँ, यहाँ पे नॉन वेज आइटम्स इतने मिलते हैं, वेज में बहुत कम है. और थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है कि यहाँ के लोगों को इंग्लिश इतनी नहीं आती, स्पेशली जो छोटे मोटे स्टोर्स में काम करते हैं जो लोकल हैं यहाँ के. अगर आप टैक्सी वगैरह बोर्ड कर रहे हैं, इफ़ यू गोइंग टूवर्ड्स एयरपोर्ट या नॉर्मल स्कूटर, उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है. बट देर आर सम प्लेसेज जहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, तो थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है. तो यू हैव टू यूज़ गूगल ट्रांसलेट विच इज़ फाइन, ठीक है. बट पीपल आर नाइस, द वेरी वार्म, द वेरी वेलकमिंग, दे ग्रीट यू वेरी नाइसली. यू नो जो उनके लोकल है, हमारे में नमस्ते है, वैसे इनमें स्वादी खाम है एंड पीपल आर नाइस एंड वेलकमिंग हेयर. अभी का अपडेट ये है, हम लोग मॉर्निंग में, कल रात को हम फुल मून पार्टी से आए थे एंड देन वी केम बैक टू आवर होटल. होटल आके हम बस चेंज वेंज करके सो गए बिकॉज वी वर प्रीटी टायर्ड एंड पार्टी वॉज प्रीटी क्रेजी. सारे लोग ड्रंक थे वहाँ पे. आई थिंक इंडियंस काफ़ी आए हुए थे बट मुझे उससे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट दिखे, यू नो, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट इज़ लाइक अ मिनी टुमारोलैंड. यहाँ आई थिंक कोफांगन में एक फुल मून पार्टी होती है, एक हाफ मून पार्टी होती है, एक वाटरफॉल पार्टी होती है, एक इनकी एक और पार्टी होती है. तरह तरह की पार्टीज होती है. इट्स फेमस फॉर लाइक पार्टीज एंड इट्स प्रीटी नाइस. बहुत अच्छी जगह है, काफ़ी सुंदर बीचेस हैं वहाँ पे. इट्स एन आइलैंड, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है. सो इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू फुल मून पार्टी, सो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम. एंड बुकिंग्स अपने होटल की पहले करवा लो क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बुक हो जाती है. And hotels and accommodation are pretty expensive here. And scooty वगैरह rent करने में इतनी problem नहीं है. But हाँ, again as I said कि आपको अपना passport submit करना होता है. कुछ भी हल्का फुल्का damage होगा, you know, to the scooty, in case the scooty is lost या जो भी है, तो बहुत ही ज़्यादा fine है. So be careful on that. बाकी coming back to the topic, अभी का update ये है, मैंने अपने लिए pasta order करा है. हम कोफांगन से जब निकल रहे थे तो हमने एक वहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिखा था विच वॉज प्रीटी नाइस. इट वॉज एन इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ हमने थोड़ी सी चाय पी थी एंड एक पराठा खाया था. पराठा तो मैंने ढंग से नहीं खाया, मुझे अच्छा नहीं लगा. सो मैंने अपनी पास्ता ऑर्डर करा है एंड गार्लिक ब्रेड ऑर्डर करी है एंड रमन गया है मार्केट सामान वामान लेने. सो थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाएंगे पियेंगे एंड देन शाम को वी माइट गो टूवर्ड्स द बीच. बीच हमारे होटल के पास में है, चाविन बीच. वहाँ जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, शैक्स में बैठेंगे. यू नो हो सका तो रात को कहीं ना कहीं चिल मारने निकलेंगे. वी माइट गो फॉर अ पार्टी.
इफ नॉट पार्टी देन लोकल तो घूम ही लेंगे, थोड़ा बहुत सामान लेंगे, एंड देन टुमारो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कराबी. कराबी एंड फुकेट ये दो डेस्टिनेशन है. सो मॉर्निंग में मेरी हमारी अराउंड 12:30 की फ्लाइट है, सो वी माइट हैव टू लीव अर्ली. यहाँ से एयरपोर्ट दूर है, जहाँ मैं पहले रुकी थी होटल हमारी वहाँ से एयरपोर्ट काफ़ी पास था. यहाँ से होटल थोड़ा सा दूर है, क्योंकि अभी हम जब हम कोफांगन से कोसमुई आए थे, आई मीन वाय शिप, आई मीन वाय फेरी शिप और अभी वहाँ कॉल, तो वहाँ से हमने टैक्सी बुक करी थी, तो वहाँ से आने में हमें आधा एक घंटा लग गया. सो ट्रैफिक थोड़ा बहुत है एंड वीकेंड है, तो यू नो काफ़ी लोग आसपास आ रहे हैं. सो दैट्स दी अपडेट. बाकी लेट्स सी अभी क्या प्लान बनता है. सो आई एम प्रीटी टायर्ड, आई एम गोना ईट माई पास्ता एंड आई एम गोना स्लीप एंड देन विल सी इन द इवनिंग. गाइस वी हैव फाइनली लेफ्ट फ्रॉम आवर रूम और हम हो चुके हैं रेडी. आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल ग्रीन ड्रेस जो मैंने बहुत टाइम से लेके रखी हुई थी. मैंने ड्रेस मिंत्रा से ली थी. सो अभी का प्लान ये है, हम यहाँ पे जा रहे हैं लोकल मार्केट जो कि आई थिंक 2-3 किलोमीटर दूर है. एंड आई एम वेरी टायर्ड. मैं ना मैंने कुछ पास्ता ऑर्डर किया था एंड गार्लिक ब्रेड, मैंने कॉफ़ी मंगवाई थी, खा पी के मैं तो सो गई थी. आई वॉज स्लीपिंग फॉर 2-3 आवर्स. रमन भी आया था मार्केट से सामान लेके एंड ही वॉज ऑल्सो स्लीपिंग. अभी हम आए हैं करेंसी एक्सचेंज करवाने. हम नॉर्मली डॉलर्स आए थे, वो चेंज करवाने आए हैं. पहले हमारा प्लान था स्कूटी रेंट करने का, और हमारे बिल्कुल होटल के बगल में चाविंग बीच है, बट अभी हम चाविंग बीच नहीं जा रहे. अभी हम लोकल ही घूम रहे हैं, मार्केट वगैरह इंजॉय कर रहे हैं. एंड सो अभी हम आए हैं एक बार एंड रेस्टोरेंट विच इज़ द नेम ऑफ बीच रोड 155, जो कि हमारे पुराने वाले होटल के काफ़ी नज़दीक है. मेन जो मार्केट थी जहाँ हम थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर रहे थे, बिकॉज जहाँ हम रुके हैं चाविंग बीच में, वहाँ पर ना ऐसे कोई मार्केट है नहीं, और है भी तो हमें नहीं पता. तो हम आए थे मैकडोनल्ड्स सर्च करते हुए, बिकॉज मेरा मैकडोनल्ड खाने का मन करा था. एंड रमन ने मुझे अगेन एज ऑलवेज वो मेरे से बदले लेते हैं, उसने मेरे को 4 किलोमीटर की वॉक कराई एक साइड की. अभी तो वापस भी जाना है. सो लेट्स सी, टैक्सी तो नहीं करेंगे, बट हाँ लोकल कुछ ट्रांसपोर्टेशन जो मैं बता रही थी, कुछ जीप जहाँ पे लोग पुल इन करके जाते हैं, वो ऐसे कुछ कर लेंगे, नहीं तो थोड़ा वॉक कर लेंगे. एंड मैंने अपने लिए ऑर्डर करा है एक सैलेड, और मैंने अपने लिए ऑर्डर करा एक सैलेड, एंड रमन ने अपने लिए ऑर्डर करा है समथिंग इन चिकन. वो तो खैर खा लेता है, वो यहाँ वो एक्चुअली इंडिया से है नहीं, वो थाईलैंड से है. उसने अपने आप को एक हाई सिटीजन घोषित कर दिया है एंड ही इज़ प्लानिंग टू सेटल इन थाईलैंड. वो यहाँ पे प्रॉपर्टी पे देख रहा था जोक्स अपार्ट. अभी का प्लान बस यही है. आज का दिन बहुत ही सिंपल एंड रिलैक्सेशन वाला था, ज़्यादा कुछ करा नहीं, क्योंकि हम 2-3 दिन से पार्टी करके थक गए थे. तो आज हम रिलैक्स करेंगे एंड होटल में जाके थोड़ा सा टीवी देख के सो. होटल विच इज़ ऑन द चाविंग बीच. और अभी का अपडेट ये है कि हमें ना एक बहुत अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया था, बाय द नेम ऑन क्या नाम था, तंदूरी इंडियन. एंड ये बिल्कुल आपका सेंट्रल रिजर्व होटल के पास है, ऑन द सेंटारा रिजर्व आई मीन होटल के पास है, इट्स ऑन द मार्केट. एंड द फूड वॉज जस्ट अमेजिंग एंड द उनका ओनर था वो भी इंडियन थे. अनफॉर्चुनेटली वो हमारे घर आई मीन दिल्ली वाले घर के पास से ही निकले, नेबर्स, एंड ही वॉज अ वेरी नाइस गाय, वेरी नाइस टू मीट हिम. अगर आप कोसमुई आ रहे हैं, देन आई वुड हाईली रिकमेंड दीज टू रेस्टोरेंट्स, वन इज़ नूरी एंड वन इज़ द इंडियन तंदूरी.
in case if you want to order food from Grab and Food Panda, आप order कर सकते हैं यहाँ पे. जैसे हमारे यहाँ पे Swiggy Zomato है, ये इनका यहाँ पे local food delivery वो है, apps होती हैं इनकी, जहाँ पे आप कहीं पे भी हो hotel में आपको food deliver हो जाएगा in case if you can't travel. अभी हमारा आधे घंटे का सफ़र है towards our hotel and रमन ने तो काफ़ी कुछ खा लिया है, उसका तो पेट भर गया था. मुझे तो भूख लग रही थी, मैं तो एक दाल मखनी और रोटी खा ली, मेरा तो पेट भर गया. एंड चलिए लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स द होटल, थोड़ी वॉक करते हैं, लेट्स बर्न सम कैलोरीज. विल सी यू टुमारो इन Krabi. वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम Koh Samui. अभी हम हैं Koh Samui एयरपोर्ट पे. ये है मेरे साथ रमनदीप सिंह, जो मेरे व्लॉग में नहीं आता और मैं इसको व्लॉग में ना लूंगी भी नहीं, अब भाव खाता है. एनीवेज अभी का प्लान ये है, हम लोग अपने होटल से चेकआउट कर चुके हैं एंड वी आर अबाउट टू बोर्ड आवर फ्लाइट. हमारी फ्लाइट 12:30 की है. अभी बज रहे हैं सुबह के 11 एंड फॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया था, जहाँ हमने थोड़ी सी बैठ के चाय पी. और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, आई जस्ट हैड सम फ्रूट्स. एज यू ऑल नो, मुझे थाईलैंड में कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा. आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करूँगी तो मैं अपने साथ में थोड़ा सा कुछ इंडिया से फूड कैरी करूँगी, प्री मिक्स फूड जो होते हैं. तो अभी का प्लान ये है दैट वी आर अबाउट टू बोर्ड अ फ्लाइट. अभी हम जा रहे हैं चेक इन के लिए. लगेज हमने दे दिया है, बोर्डिंग पास हमने ले लिया है, अभी हम जा रहे हैं चेक इन के लिए. उसके बाद फ्लाइट में बैठेंगे, इन्जॉय करेंगे. एंड एयरपोर्ट इज जस्ट सो नाइस, ओपन में एयरपोर्ट एंड बहुत ही अमेजिंग मॉल लग रहा है एयरपोर्ट. लेट मी शो यू. डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो कि बिल्कुल ही इंटरनेशनल बना हुआ है, अपने इंडिया एयरपोर्ट से तो बहुत अच्छा बना हुआ है गाइस. एंड यहाँ पे ना पूरी ट्रॉपिकल फील है. एक्चुअली मुझे लग रहा है मैं आइलैंड पे आई हुई हूँ, आई मीन. एंड यहाँ पे खाने पीने की बहुत इंडियन रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे. एंड दे हैव लाइक अ वेटिंग लाउंज में बिल्कुल ऐसा लगा रिजॉर्ट में हुआ. जस्ट लुक एट द प्लेस, इट्स सो मेसमराइजिंग. एंड दिस इज अ वेटिंग लाउंज, ये है इनका. अब आपको शॉपिंग करनी है फिर उन्होंने बाय समथिंग गेट इट फ्रॉम द एयरपोर्ट. यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती हैं, तो एक्सपेंसिव है. उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो यहाँ पे बसने वाला है. रमन को यहाँ पे एक अच्छी सी थाईलैंड की लड़की पसंद आ गई है, जो उसको बार बार बोलेगी स्वादी खा. बट ठीक है यार, अपने देसी लड़कियाँ अच्छी होती हैं. एंड द प्लेस इज जस्ट सो नाइस, यहाँ पर आप मसाज भी करवा सकते हो. आई मीन एयरपोर्ट पर भी मैं ही देख रही हूँ कि थाईलैंड इतना एडवांस है कि एयरपोर्ट पर भी आप मसाज करा सकते हो. And this is the place. This is just so nice. यहाँ पे जगह जगह पे you will get places to eat. I mean greenery बहुत अच्छी है यहाँ पे. मुझे तो नहीं, यहाँ के पेड़ पौधे बड़े पसंद आए हैं, very beautiful. Raman, you wanna have coconut water with me? Look. So guys, अभी हम बैठे हैं बैंकॉक के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे और ये है मेरे साथ रमनदीप, जिसको मैं कैमरा में नहीं कैप्चर कर रही. और यहाँ का ना एयरपोर्ट एक रिजॉर्ट से कम नहीं है. इट्स एन एयरपोर्ट विद अ ब्यूटीफुल अमेजिंग व्यू. क्या व्यू है यार, मैं तो यहाँ पे ना आराम से रह सकती हूँ. बस खाने पीने की दिक्कत है, वो तो मैं इंडिया से मसाले वगैरह ले आऊँगी अगली बार अगर आऊँगी तो. क्योंकि यहाँ पे आई थिंक 2-3 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं बाय द नेम ऑफ नूरी इंडियन तंदूरी और एक दो और हैं. एक हमने कल और देखा था, बट खाना ठीक है. आई मीन ऑब्वियसली अगर आप इंडिया से हो और आपने तो मतलब इफ़ यू ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया तो आपको तो टेस्ट का पता ही होगा. सो बट ठीक है, खाना ठीक था. एटलीस्ट फॉरेन लैंड में कोई बाहर आओ तो आपको एक दाल रोटी या वेज में कुछ अच्छा मिल जाए तो इट्स लाइक ब्लेसिंग इन डिसगाइज. बट ठीक है, मुझे एक्चुअली कल बहुत भूख लगी थी. हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए थे एंड इट वाज एक्चुअली अ बार जहाँ पे रमन ने ड्रिंक्स वगैरह ली थी एंड ही हैड लाइक फ्राइड चिकन विच वॉज लुकिंग लाइक अ पकौड़ाज. फ्राइड फिश थे वो. ओह माई गॉड, मैंने खा ली, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया. एनीवेज थाईलैंड आ गया, मेरे सब हो गया मेरे साथ. तो हमने खाई थी फ्राइड फिश विच वॉज लुकिंग लाइक अ फ्राइड पकौड़ा एंड आई हैड सैलड, ग्रीन सैलड विच वॉज
not good. It was full of lettuce and tomatoes, olives मैंने खाए नहीं. अनियन एंड ऑल दैट. इनके अनियन बहुत अच्छे हैं, मतलब जैसे इंडिया में अनियन मिलते हैं ना, इट्स मोर लाइक कड़वे, यहाँ के थोड़े अच्छे हैं. बट अभी का अपडेट ये है, एज यू कैन सी बहुत ही अमेजिंग सा व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें. इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल. आई थिंक मैं थाईलैंड दोबारा ना पसंद करूँगी, स्पेशली टू कोह समुई. आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन, मतलब आई डोंट वॉन्ट गो टू कोह फांग एंड एन्जॉय द फुल मून पार्टी बिकॉज दैट इज समथिंग नॉट फॉर मी, दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी. बट येस, आई कैन गो टू अ नाइस बीच पार्टी और अ डे क्लब और अ नाइस प्लेस. रमन इज रिकॉर्डिंग मी, आई डोंट नो व्हाई. सो अभी का अपडेट ये है, वी हैव अ फ्लाइट टू क्राबी. क्राबी में हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा विला बुकड है, जहाँ पे हम इन्जॉय रिजॉर्ट विला व्हाटएवर यू वांट टू कॉल. सो थोड़ा खाएंगे पिएंगे इन्जॉय करेंगे एंड आई विल गिव यू अ रूम टूर. एंड रमन, कौन सा विला बुकड है हमारा? रमन को भी पता नहीं है. रमन ना अभी तक फुल मून पार्टी के नशे में ही है, इतनी दारू पिया ना इस लड़के ने, इतनी दारू पिया ना यहाँ आके. मतलब यहाँ वहाँ पे ना एक बकेट मिलती है, इसमें ना लाइक इफ़ यू हैव बिन टू हॉर्न ओके फेस्ट और एनी फूड फेस्ट, अब तक इंडिया में कॉन्सेप्ट आ गया, यू गेट दिस बकेट वेयर यू हैव लाइक एन LIT जिसमें तीन चार ड्रिंक्स मिक्स होती हैं. एंड देन रमन वॉज इन्जॉइंग, रमन ख़त्म ही नहीं कर रहा था और मैं इतनी पिस्ड हो गई थी ना वहाँ पे कि एक तो वहाँ इतनी भीड़ थी, मुझे थोड़ा सा भीड़ भग के मैं ना आई फील वेरी सफोकेटेड, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाता है. एंड रमन की वो ड्रिंक ख़त्म ही नहीं हो रही थी. एनी वेज, अभी अनाउंसमेंट हो गई है, हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है. सो लेट्स बोर्ड द फ्लाइट एंड सी यू इन क्राबी, न्यू डेस्टिनेशन, न्यू प्लेस. इट्स माई ऑफिशियली डे 5 इन थाईलैंड, राइट रमन? हम 16th को आए थे, टुडे इज 20th. आई एम विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी करवा चौथ. एनी वेज, डे 5 इन क्राबी, डे 5 इन थाईलैंड, सी यू इन क्राबी. आई वांट टू शो यू दिस, दैट वी हैव सम फ्री फूड हियर. आई मीन इन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट करा है दैट दे हैव लाइक कॉफी, आइस टी, दे हैव जूसेस, वाटर बॉटल, पॉपकॉर्न, एंड दे हैव सम स्नैक्स लाइक सैंडविचेस, दो इट्स ऑल नॉन वेज. एंड दे हैव पान एज वेल, व्हिच आई लाइक. दिस इज जस्ट सो अमेजिंग. एंड इनके पास ना हर आई मीन सच अ नाइस थिंग दे हैव, प्रॉपर इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री फूड काइंड ऑफ चीज रखी. Have you ever traveled in a flight जहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे फिर डोमेस्टिक फ्लाइट, तो यहाँ पर ना बेस्ट पार्ट क्या है, इंटरनेशनल तो खैर इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट डोमेस्टिक में बी यू गेट फ्री कॉम्प्लीमेंट्री यू नो थिंग्स टू ईट लाइक फूड, ड्रिंक्स, एंड दे हैड पान ऑल्सो. रमन ने पान खाया, रमन हैड मफिन एज वेल. मैंने पॉपकॉर्न ट्राई करे थे बट इट वॉज कैरमलाइज पॉपकॉर्न, तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. मैंने आइस टी पी, आई मीन इट वॉज वेरी वेरी मीठी, मतलब मैं वैसे मीठा कम अवॉइड आई मीन कम खाती हूँ. बट द प्लेस इज़ वेरी नाइस एंड कोह समुई इज़ यू नो इन माई ट्रैवल लिस्ट अगैन. मैं दोबारा से ट्रैवल करूँ. रमन को तो बहुत पसंद आया. एज आई सेड, रमन को तो वैसे भी थाईलैंड के लोग बहुत अच्छे लगते हैं एंड ही इज़ प्लानिंग टू सेटल इन थाईलैंड इन फ्यूचर, किडिंग गाइस. बट हाँ, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं. थोड़ा मुझे इनका इमिग्रेशन का सिस्टम बेकार लगा, जो स्पेशली जो बैंकॉक एयरपोर्ट पर है, वो लेडी थोड़ी रूड थी. बट हाँ, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यू गोना हैव अ फैंटास्टिक टाइम. आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू विजिट कोह समुई एंड एन्जॉय. अगर आपको कोह फांग नहीं आना तो आप कोह समुई से एक दिन का डे टूर बुक कर सकते हैं, यू नो, फ्रॉम अ टूर पैकेज. एंड यहाँ पे घूमने फिरने की बहुत सारी जगह हैं. दे हैव वाटरफॉल्स, दे हैव सम ब्यूटिफुल बीचेज. आई मीन इट्स एन आईलैंड, तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, इफ़ यू कमिंग विद योर फ्रेंड्स. ये हर तरह के लोगों के लिए यहाँ पे हर तरह की वैरायटी है.
नया अवतार है जो मैंने एक बहुत ही क्यूट सी हैट ली है, रमन की हैट है, आई मीन रमन की हैट है। सो मैं बिल्कुल वेकेशन मोड पे हूँ और ये टॉम एंड जेरी में आता था। सो हम जा रहे हैं क्राबी एंड वी आर अबाउट टू बोर्ड अ फ्लाइट। छोटे छोटे जेट्स होते हैं इनकी, वैसे ही जेट है ऐसे इंडिगो के, छोटे से जेट है, हमें बैठने की जगह नहीं होती, लेग स्पेस नहीं मिलती। सॉरी इंडिगो, मैं आपके बारे में गलत बोल रही हूँ, बट येस व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन डोमेस्टिक एयरवे सो ये होता है। ये मेरे साथ रमन दी जो कि बहुत एक्साइटेड है बिकॉज क्राबी इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड फुकेट तो है ही है। तो ये हमारा अभी का प्लान है। Finally check into our hotel and this is the room which is pretty nice. Achha, nice cozy room hai. This is the TV area, sitting area and that's me. Maine na apne baal khol diye hain. I mean my braids aur mere braid mein aise crimping ho gayi hai. Beachy waves. This is the view, a small balcony, sitting area. We have a pool villa, a nice bed. I mean, nice painting on the wall. Again, Raman, you like the property? Yeah, I like it very much. And nice locker area, almira. I don't know. अच्छा ये bathrooms हैं. Nice. इन्होंने umbrella भी दिया हमें. Slippers. This is the washroom. Washroom is pretty nice. I mean, काफी spacious है. Shower area. Nice washroom. Hi guys, I just got ready. मैंने अपने braids ना खोल दिए थे टैक्सी में जब हम लोग आवलंग कराबी पहुँचे थे, तो मैंने अपनी बाल खोल लिए हैं. मेरे बड़े सुंदर से ये बीची काइंड ऑफ वेव्स हो गए हैं, तो मैंने कहा एक बार खोल लेती हूँ, कल शैम्पू कर लूँगी. सो अभी का प्लान ये है, अभी ना हम लोग मेरे रूम होटल के पास ही आवलंग बीच है और इन कराबी वहाँ जा रहे हैं. बीच साइड बैठेंगे, थोड़ा भूख वूख लगी है. उन्होंने मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट किया था. मैंने तो कुछ खास खाई नहीं था. फ्रूट्स फ्लाइट में आई हैड चिकन पैटी एंड सम पुडिंग काइंड ऑफ अ थिंग. इट वाज जेली एक्चुअली एंड आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल जंप सूट विच आई गॉट फ्रॉम मिंत्रा व्हेन आई वाज इन दिल्ली बिफोर आई गॉट अनवेल. उससे पहले मैंने दो तीन कपड़े मंगवाए हुए थे एंड मैंने बहुत लाइट मेकअप रखा है बिकॉज यू नो बीच साइड जा रहा है. वॉन्ट सम गुड पिक्चर है, पिक्चर नहीं क्लिक करवाई हमने यहाँ पे. सो रमन इज ऑल्सो गेटिंग रेडी एंड दिस इज द प्लान फॉर द डे. अभी मैं जा रही हूँ नीचे. आई रूम इज ऑन द सेकेंड फ्लोर. मैं थोड़ा घूमूंगी फिरूंगी, ऐसे थोड़ा वीडियो शूट करूँगी. सो वी आर स्टेइंग एट द पनान होटल विच इज अगेन अ फाइव स्टार होटल. इट्स ऑन द आवलंग बीच. आवलंग इज एक्चुअली एरिया, तो वहाँ पे है. सो अभी का ये प्लान का पूल साइड एरिया एंड द पूल इज जस्ट सो नाइस. इतनी बड़ी एंड ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है. Yeah, again, you can just sit here and relax. And pool is very nice and huge. Just look, someone is doing swimming here. And I think my gala side se aa gayi hu. Mujhe actually, I have to go towards the other side. So, ye hai inka swimming pool. They have a bar also, so you can just have a drink and enjoy here.
यहाँ पे अगेन यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट आए हैं। ये है इनके रूम, वेरी नाइस प्रॉपर्टी। तो ये इनका एक और पूल एरिया है, दिस इज द पूल, दे आल्सो हैव अ जिम हियर, दिस इज अ नाइस पूल। यहाँ पे ना बच्चों के लिए बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज करनी तो हैं। आई मीन आई जस्ट सॉ थोड़ी देर पहले, एंड दिस इज द वे दैट गोज टूवर्ड्स द पूल एरिया। दे आल्सो हैव अ नाइस प्लेस वे कैन हैव फूड। यहाँ से एक्चुअली एंट्री होती है, यहाँ से हम एंट्री हुई थी हमारी, एंड दिस इज थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। बच्चों के लिए बहुत सारे यू नो राइड्स हैं, दे कैन एंजॉय द पूल, दे हैव लाइक छोटे बच्चों के लिए पूल एंड फॉर बिग पीपल एंट्री, एंड दे हैव लाइक शैक्स वे कैन यू नो एंजॉय, एंड आई लाइक द प्रॉपर्टी, इट्स क्वाइट नाइस। एंड लुक एट द वेदर, यहाँ पे भी कोसम वाला वेदर है, कोसामुई वाला वेदर है, बारिश का मौसम बना हुआ है। लेट्स सी, अभी हम बीच साइड जा रहे हैं, सो लेट्स सी वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, एंड देन वी विल सी यू एट द बीच। ये है इनका डाइनिंग एरिया, एंड द ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स आर फ्रॉम 6:30 टू 11, एंड डिनर टाइमिंग्स आर फ्रॉम 11:30, ऑल डे डाइनिंग 11 to 9:30। ओके, एंड नाइस प्लेस, यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ भी होती हैं, दे हैव लाइक हैप्पी आवर, दे हैव लाइक अ फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट जो हमने बाली में किया था, दे हैव थाई कुकिंग क्लासेस विच इज़ नाइस, कॉम्बो सेट मेन्यू, देन फायर शो, हैलोवीन मेन्यू, हैलोवीन आई थिंक 31st को है, जिस दिन दिवाली है 1st को है, एंड देन दिस इज इट। प्रॉपर्टी इज़ क्वाइट ह्यूज एंड इट्स नाइस, रिसेप्शन एरिया, दिस इज़ अवे फ्रॉम वेयर यू एग्जिट, and I like the place, they have a nice welcome drink as well in case if you want to try, and this is the lobby area jahan pe aap wait kar sakte ho. Let me show you the restaurant again, ye yahan pe bahut hi cheese desserts bhi milti hain, it's like gelato and it's for 59 baht which is around like what 120 rupees. They have these nice pastries here. And this is the place where you can sit and have your food, and then they have a nice coffee area, waiting area. I'm just waiting in the lobby, I'm waiting for Raman, he was getting ready, and main na property mein na gum gayi, main aisi property explore kar rahi thi, and I was making videos, and mujhe nahi pata mera jo room hai wo kaun se floor pe tha, second floor pe tha, to inke na do pathways hai jaane ke, to main gum gayi, property itni badi hai, so I've told him to meet me at the reception, तो वो आ रहा है, उसके बाद हम आओनांग जाएंगे, यहाँ पे मार्केट भी लगती है, मुझे थोड़ा वो सामान लेना है, यू नो गेट सम सुवेनियर्स फ्रॉम थाईलैंड, सो दैट्स द प्लान फॉर द डे। और बीच साइड जाएंगे, इन्जॉय करेंगे, खाएंगे पियेंगे, एंड लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ आई एम लुकिंग, हाउ इज दिस हेयर स्टाइल सूटिंग मी, मैंने कभी क्रिम्पिंग करवाई नहीं है, बीच वेज जो बोलते हैं, सो लेट्स सी। कल का दिन भी हमारा बहुत अच्छा है, हम आयरन हॉपिंग करेंगे, लोकल घूमेंगे, वी हैव फॉर टू डेज, आई मीन टू नाइट्स एंड थ्री डेज, सो रमन इज हियर एंड सी यू इन द बीच।